सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चुआन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक की मदद से मेजर वू को हरा दिया था, जिस वजह से चुआन जिनगु एकेडमी का सीनियर बन गया। उसके बाद दाजियांग ने सीक्रेट टेक्निक की खुशी में पार्टी रखी थी। फिर अब हम देखते हैं कि मेंग फैमिली के सारे एल्डर्स खुश होकर दाजियांग को बधाई देते हैं। तभी मेंग फैमिली के पेट्रियार्क लॉर्ड मेंग वहां आते हैं और सारे एल्डर्स से कहते हैं कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, चुआन को अभी सिर्फ अपनी सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चला है, आगे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना है। वहीं हम सेन मेंग को चुआन के साथ अरीना में देखते हैं। सेन मेंग को देखकर चुआन सोचता है कि यह बहुत बूढ़ी हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत पावरफुल है। सेन मेंग चुआन से कहती है कि तुम अपने ग्रैंडफादर्स की तरह काफी सुंदर हो। यह सुनकर चुआन खुश होता है। तभी सेन मेंग अपनी स्टिक से चुआन पर अटैक कर देती है, जिसे चुआन अपने हाथों से रोक देता है। तो सेन मेंग अपनी स्टिक छुड़ाकर लगातार चुआन पर अटैक करने लगती है, मगर चुआन उनके सारे हमलों से बच जाता है। देखकर सेन मेंग कहती है कि तुम काफी तेज हो। ये कहते ही सेन मेंग एक फायर सीट से चुआन पर अटैक करके उसे दूर कर देती है और अपने मैजिक से उसे पकड़ लेती है। सेन मेंग अपनी स्टिक को एक्टिवेट करके चुआन की बॉडी पर टच करता है, जिससे चुआन की बॉडी में फायर पावर एजो होने लगती है और उसके हेड पर एक मार्क बन जाता है। सेन मेंग कहती है कि जू रोंग के 9 रिफाइनमेंट मेथड की मदद से मैंने तुम्हारी बॉडी में फायर सीट डाल दिया है, अब तुम एक ओवन बन गए हो, इसलिए संत का बेस तैयार करो। ये सब सुनकर चुआन खुश होता है और सोचता है कि सेन मेंग एक संत है, इसलिए वो जानती है कि मुझे क्या चाहिए। सेन मेंग कहती है कि फोर्जिंग मेथड युआनचू माउंटेन का मेथड है और पूरी दुनिया में इससे अच्छा फोर्जिंग मेथड नहीं है, और मॉन्स्टर्स का डेमोनिक कोर इस मेथड का मटेरियल है जो संत का बेस बनाने में मदद करता है। ये कहकर सेन मेंग चुआन को एक डेमोनिक कोर दिखाती है, जिसे चुआन पकड़ने की कोशिश करता है, मगर उसे टच करते ही कोर गायब हो जाता है। सेन मेंग कहती है कि डेमन स्लेइंग कॉम्पिटिशन में तुम्हें बहुत सारे डेमोनिक कोर मिलेंगे, जिनकी मदद से तुम संत का बेस तैयार कर सकते हो। तुम्हारे पास संत बनने का एक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन यह बहुत बुरा है कि तुम अभी तक बॉडीलेस रियल में भी नहीं जा सके। अब डीमन स्लेइंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए इस बुक की मदद से फोर्जिंग मेथड को सीखो। फिर चुआन रूम में जाकर अपनी मोम की पेंटिंग बनाते हुए सोचता है कि सीक्रेट टेक्निक को सीखने की वजह से मैं इस साल ट्रेनिंग नहीं कर पाया, लेकिन मोम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक पावरफुल संत बनूंगा और सारे डीमन को मार दूंगा। अचानक चुआन की पेंटिंग से कुछ बटरफ्लाई निकलकर चुआन के ब्रेन में चली जाती है, जिससे चुआन अपने ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, जहां वो मिस्टीरियस बॉय अब थोड़ा बड़ा हो गया था। तभी एक डीमन चुआन पर अटैक करने के लिए आता है, जिसे चुआन अपनी शॉट से मार देता है। डीमन के मरते ही उसकी पावर चुआन के अंदर एजो हो जाती है। तभी बहुत सारे डीमन्स चुआन पर अटैक कर देते हैं, मगर चुआन बहुत आसानी से सारे डीमन्स को अपनी शॉट से मार देता है। उन सब डीमन्स की पावर चुआन के अंदर एजो होने लगती है, जिससे चुआन मेरो वाशिंग रियल्म के रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंच जाता है। ये देखकर चुआन समझ जाता है कि मेरा ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो गया है, अब मैं डीमन से फाइट करके बॉडीलेस रियल में जा सकता हूँ। ये सोचकर चुआन डीमन्स से फाइट करने लगता है। फिर रियल वर्ल्ड में कियू चुआन को अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ चुआन कियू और अपने डेट के साथ बैठकर सेलिब्रेट करता है। दाजियांग और कियू शराब पीकर एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। उन्हें देखकर चुआन सोचता है कि 10 साल पहले अंकल लियू को मेरे घर छोड़कर गए थे, उसके बाद से ही कियू हमारे साथ रह रही है, और अब इस दुनिया में मेरे लिए कियू और डेट सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ देर बाद कियू नशे में आकर रेस्टोरेंट में सो जाती है, तो चुआन उसे उठाकर घर लेकर जाता है। अगले दिन चुआन गॉड से प्रे करके अपनी शॉट लेकर प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। वहीं रात को बाईसान अपने सर्वेंट के साथ सो रहा था, तभी वहाँ वही मास्क वाला डीमन आ जाता है, जिसने चुआन की माँ को मारा था। वो अपना टेंटिकल बाईसान के मुँह में डालकर उसे उठा देता है। मास्क डीमन को देखकर बाईसान डर जाता है और अपने सर्वेंट को उठाने की कोशिश करता है, मगर एक भी सर्वेंट नहीं उठती। बाईसान कहता है कि मिस्टर ली तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर ली कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इस डीमन स्लेइंग कॉम्पिटिशन में तुम सारे बड़े डीमन्स को भेजना, मुझे सारे ह्यूमन जीनियस को मारना है। ये कहकर मिस्टर ली वहाँ से चला जाता है, तो बाईसान फिर से सो जाता है। तभी बाईगुआन वहाँ आकर जोर से गेट को लात मारता है, जिससे बाईसान और सारी सर्वेंट उठ जाती है। बाईगुआन गुस्से में कहता है कि मेरी जगह तुमने किंग पिंग से सगाई कैसे कर ली। बाईसान लात मारकर उसे दूर फेंक देता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, तुम सिर्फ एक कचरा हो, तुम मेंग चुआन को भी नहीं हरा सके, मैं तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। बाईगुआन कहता है कि मैं किंग पिंग से शादी करना चाहता हूँ, तो उसे दूर फेंक
जाकर कहता कि तुम चुआन के एक हमले को भी सहन नहीं कर सके। तुम जैसे बेकार हारे हुए लड़के से यून फुआन कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। अगर तुम फिर भी उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास आखिरी मौका है। डेमन स्लेइंग कॉम्पिटिशन में चुआन को मार दो, जिससे तुम साबित कर पाओगे कि तुम लूजर नहीं हो। दूसरी तरफ तीनों फैमिलीज के मेंबर और दूसरे लोग डेमन स्लेइंग कॉम्पिटिशन के लिए एरिना में आ जाते हैं। उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग भी वहाँ आए थे। वहाँ यून और भाई फैमिली के पेट्रियार्क आ गए थे, लेकिन मैंग फैमिली के पेट्रियार्क अभी तक नहीं आए थे। भाई सान कॉम्पिटिशन इंचार्ज को कॉम्पिटिशन स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन इंचार्ज मना कर देती है। तभी चुआन क्यू और मैंग फैमिली के एल्डर्स के साथ वहाँ जाता है। उन्हें देख कर भाई गुआन, भाई सान और यून बहुत गुस्सा होते हैं। फिर लॉर्ड मैंग इंचार्ज से माफी मांग कर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तो इंचार्ज सभी लोगों से कहती है कि डेमन स्लेइंग कॉम्पिटिशन 3 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है और इसकी सारी व्यवस्था माउंट युआनचू ने की थी। सभी मेशन के लोगों में से जो भी डेमन्स को फाइट करके उन्हें हरा देगा उसे आगे ट्रेनिंग दी जाएगी। इस साल डेमन स्लेइंग कॉम्पिटिशन जीतने वाले को माउंट युआनचू के द्वारा सेंट मेरो जेड लिक्विड की एक बूंद दी जाएगी। एक आदमी पूछता है कि सेंट मेरो जेड लिक्विड क्या है। एक लड़की उसे बताती है कि सेंट मेरो जेड लिक्विड की एक बूंद 10,000 सोने के टुकड़ों के बराबर होती है। कॉम्पिटिशन इंचार्ज कहती है कि माना जाता है कि सेंट मेरो जेड लिक्विड की एक बूंद संत बॉडी को एक्टिवेट कर सकती है, और अगर सेंट मेरो जेड लिक्विड की एक बूंद बिना कल्टिवेशन करने वाले साधारण इंसान के शरीर में डाल दी जाए तो इंसान एक ही दिन में डिवाइन फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है और होली एंसेट्स की पावर दूसरी तरह के डिवाइन फाउंडेशन को एक्टिवेट कर सकती है। हेवन और अर्थ पर इससे पावरफुल लिक्विड कोई नहीं है जो डिवाइन फाउंडेशन को एक्टिवेट कर सके। अगर तुम सेंट मेरो जेड लिक्विड लेना चाहते हो तो तुम्हें लाइफ एंड डेथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ये कहकर इंचार्ज सबको कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। क्यू चुआन से कहती है कि क्या डेमन स्लेइंग कॉम्पिटिशन इतना खतरनाक है जिसके लिए हमें डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। चुआन कहता है कि कॉम्पिटिशन जीतने पर हमें सेंट मेरो जेड लिक्विड जैसा रेयर ट्रेजर दिया जाएगा, मगर कॉम्पिटिशन में बहुत पावरफुल डेमन्स होंगे जिन्हें हम आसानी से नहीं हरा सकते। इसीलिए कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है। कॉम्पिटिशन इंचार्ज कहती है कि जिसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है वो डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, मगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए नहीं आता। चुआन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाने लगता है, मगर क्यू चुआन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। तभी मैं युआनजी सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। उसे देखकर एक लड़की कहती है कि ये कौन है जिसने बिना सोचे समझे डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। एक आदमी उसे बताता है कि डोंगिंग सिटी का पहला जीनियस है। उसने 15 साल की उम्र में सीक्रेट टेक्निक सीख ली थी, जिसके बाद से यू यांग पैलेस के मास्टर उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। सब लोग इस इंतजार में है कि कब मैं युआन जी युआनचू माउंटेन का संत बनेगा। सब लोग मैं युआन जी की तारीफ करने लगते हैं तो चुआन भी अपनी फिंगर को काट कर अपने खून से डेथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने लगता है। तभी एक लड़का वहाँ आकर चुआन से पहले साइन करके चला जाता है। उसे देखकर चुआन सोचता है कि आखिरकार ये कौन है और इतनी सारी सोर लेकर क्यों घूम रहा है। फिर क्यू भाई गुआन और दूसरे लोग भी डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।